हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छे पौधे के बारे में बात करने जा रही हूँ। अच्छा इसलिए क्योंकि ये पौधा शुभ होने के साथ साथ गुड़ों की खान है। बहुत ही इसके मेडिसिनल यूज़ होते हैं, औषधीय गुण हैं इसमें बहुत सारे। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ बेटल लीफ यानी कि पान के पौधे के बारे में, क्योंकि अभी शुभ दिन चल रहे हैं, शुभ गणेशा हमारे घरों पे विराजमान है। तो मुझे लगा कि मैं आज आपको इस शुभ पौधे के बारे में बताऊं। तो अभी तक भी आपने इस पौधे को अपने घर में शामिल नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लगाइए। बहुत ही आसानी से ये लग जाता है और उसके साथ साथ ये बहुत ही लो केयर से आप अपने घर पर आराम से लगा सकते हैं। पान के पत्ते का यूज़ पूजा में किया जाता है, इसलिए इसे शुभ माना जाता है। इसके साथ ही काफ़ी सारे इसके मेडिसिनल यूज़ होते हैं, इसे कई तरह से यूज़ किया जाता है और इसकी कुछ वैरायटीज़ भी आती हैं, उसके अकॉर्डिंग इसके गुड़ भी होते हैं। तो वो सब तो आप गूगल सर्च करके इसके बारे में पता कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे इसके केयर के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये एक बेलनुमा प्लांट होता है, बेल के तरह फैलता है, सेम जैसे कि मनी प्लांट होता है उसी तरह से ये पौधा भी बेलनुमा प्लांट होता है। और मेरा ये पौधा काफ़ी छोटा है क्योंकि 1 मंथ पहले मैंने इसे अपने गार्डन में ऐड किया है। छोटी सी कटिंग में लाई थी कहीं से और तब मैंने इसे लगाया था और अभी ये इतना बड़ा हो चुका है। और मैं इसे और बड़ा करने के बाद इसे मॉस स्टिक पे लगाऊंगी, थोड़ा ये घना हो जाए फिर मैं इसे मॉस स्टिक पे लगाऊंगी। तो इस पौधे को भी मनी प्लांट की तरह मॉस स्टिक पे लगाया जाता है तो ये काफ़ी आसानी से रहता है। मनी प्लांट की तरह इसमें भी एरियल रूट्स होती हैं, जगह जगह पे इसके नोड होते हैं, नोड्स में इसकी रूट्स निकल आती है। ख़ास करके रेनी सीज़न में, अभी का जो टाइम चल रहा है, इसका प्रोपगेशन काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो आप भी इस पौधे को इस टाइम पे छोटी से छोटी कटिंग ला के लगा सकते हैं। तो देखिए, बात कर लेते हैं इसके मिट्टी की। तो इस प्लांट को नमी पसंद है और इसकी जो मिट्टी है हमें ऐसी बनानी है जिसमें मॉइस्चर बना रहे, कुछ टाइम तक इस पर मॉइस्चर बना रहे, ऐसी हमें मिट्टी बनानी है। सौगी नहीं करनी है, पानी अच्छे से निकल जाए लेकिन जो मिट्टी है वो पानी को होल्ड करके रखे, इस तरह की हमें मिट्टी बनानी है। उसके लिए आप जो भी इसके लिए मिट्टी तैयार करेंगे उसमें सैंड की मात्रा थोड़ी कम ले, अच्छे अमाउंट में मिट्टी ले और उसमें अच्छे अमाउंट में कोई भी कंपोस्ट ऐड करें। गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, इन तीनों कंपोस्ट में से आप कोई सी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो लीफ कंपोस्ट भी इस पे डाल सकते हैं, वो भी अच्छी रहेगी इसके लिए क्योंकि ये तो पत्तियों वाला ही प्लांट है तो अच्छा रहेगा इसके लिए। अब फ्रेंड्स, बात करें इसके वाटरिंग की। तो जैसा मैंने बताया कि इस प्लांट को नमी पसंद है तो जब भी आपको मिट्टी ड्राई लगती है आप इस पर पानी डालें। अगर डेली पानी सूख जाता है तो आप डेली ही पानी डालें और इस प्लांट पे आप अच्छे से मिस्टिंग करें। मिस्टिंग मीन्स कि जैसे हम पौधों को शावरिंग करते हैं स्प्रेयर से, तो स्प्रेयर से आप इनके पत्तों पे अच्छे से पानी दें, नोड है जो इसके वहाँ पे पानी दें तो ये प्लांट हेल्दी बना रहता है। मेरा ये प्लांट काफ़ी छोटा सा है लेकिन काफ़ी हेल्दी है, आप देख सकते हैं इसमें न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो रही है। मेरे पास पहले इसका अच्छा बड़ा प्लांट था, काफ़ी बड़ा हो गया था, लेकिन जब मेरे यहाँ पर काम चल रहा था घर पर तब वो प्लांट मेरा ख़राब हो गया था क्योंकि मेरे काफ़ी सारे पौधे नीचे ऊपर धूप में छांव में रख दिए गए थे, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी पौधे ख़राब हो गए थे। तो उसमें पान का पौधा भी ख़राब हो गया था। तो फिर से मैंने इसकी कटिंग लाके और लगाई है, काफ़ी इजीली इसकी कटिंग लग जाती है। अब फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सनलाइट की, तो इस पौधे को आप डायरेक्ट धूप में बिल्कुल भी ना रखें। ये शेड वाला प्लांट है, इसे शेड में रखें लेकिन ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ पे डार्कनेस हो, अंधेरा हो और बिल्कुल लाइट नहीं पहुँचती हो। आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसे छन के धूप पड़ती हो या किसी विंडो वगैरह से पार्शियल सनलाइट पड़ती हो, इस तरीके से आप इस प्लांट को रखें ऐसी जगह पर जहाँ पर ब्राइट लाइट हो। आप बालकनी में भी, अगर आपका बालकनी गार्डन है तो आप बालकनी में भी इस प्लांट को काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके पेस्ट अटैक की।
इसकी डिज़ीज़ की। तो इन प्लांट्स पे कभी कभी आपको मिली बग्स के अटैक दिख जाएंगे, या फिर कभी कभी इसके पत्ते जो है कर्ल से हो जाते हैं, तो इस पे छोटे छोटे से माइट्स से लगते हैं। तो उन सब से बचाने के लिए इस पे आप घर का ही पेस्टिसाइड यूज़ करें, क्योंकि ये एडिबल होता है, इसे खाया जाता है, इसके पत्तों का यूज़ किया जाता है। तो आप इसका घर का बना हुआ कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप मीठा सोडा होता है जो कि बेकिंग सोडा, उसको पानी में घोल के और उसका स्प्रे भी करते रहेंगे तो ये प्लांट बचा रहेगा किसी भी तरह के पेस्ट अटैक से। या फिर आप दालचीनी जो सिनेमम पाउडर होता है, उसका मतलब दालचीनी का पाउडर बनाना है बारीक, और फिर उसे आप पानी में घोल के और उसे छान के फिर आप उसका स्प्रे करेंगे तो भी इस पर कोई पेस्ट अटैक नहीं होगा, होगा भी तो निकल जाएगा। इस तरह से आप इस पर कर सकते हैं। तो अब बात करें फ्रेंड्स अगर इसके फर्टिलाइज़र की, तो आप इस प्लांट पे लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो ये हेल्दी बना रहेगा। कौन सा फर्टिलाइज़र दें? तो एक आप इस पे गोबर का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं, कंडे जो होते हैं सूखे कंडे, उसे आप पानी में भिगो के रख दीजिए। 5-6 दिन तक उसे पानी में भिगोए रखिए। उसके बाद उस पानी को ले के छान के थोड़ा सा पानी, जैसे कि आपने 1 कप समझ लीजिए, 1 कप वो पानी लिया है तो उसमें 4 कप सादा पानी लीजिए। 1 कप आप गोबर का लिक्विड फर्टिलाइज़र लीजिए और उसमें 4-5 कप सादा पानी ऐड करके और उसका एक लिक्विड बना लीजिए और उसका आप इसमें उसे डाल दीजिए, और पत्तियों पे भी उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे ये प्लांट आपका ग्रीन ग्रीन सा ग्रो करेगा। देखिए आप, मेरे प्लांट के पत्ते काफ़ी ग्रीन हैं। तो मैं इसी तरीके से इसे फर्टिलाइज़ करती हूँ और कभी कभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे भी कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी पान के पौधे के बारे में सिंपल सी जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप भी इस तरह से इस पौधे को लगाना चाहेंगे अपने घर पे तो ज़रूर लगाइए। अगर आपके पास ज़मीन है, ज़मीन में इस पौधे को आप लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाइए। ये काफ़ी बड़े बड़े पत्ते उसमें ग्रो होते हैं और काफ़ी फैल जाता है, बहुत सारा ये फैल जाएगा, तो ज़रूर लगाइए इसे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा।